वेलकम बैक टू इलेक्ट्रोजाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो इतना खास नहीं है। तो एक एलईडी खराब वाला को किस तरह से बनाया जाता है, तो आज का इस वीडियो में बनाते हैं। एलईडी लाइट जो होता है वो जब ब्लिंक करता है तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ खराब वाला किस तरह से ये हो रहा है। तो चलिए देखते हैं उसको। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. तो ये देखिए पूरा ब्लिंक कर रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए मैंने इसको खोल दिया है, इसके अंदर में एलईडी से देखिए। तो ब्लिंक होने का सबसे ज़्यादा कारण होता है एलईडी ख़राब होने की वजह से। तो सबसे पहले एलईडी को चेक करते हैं हम। तो चलिए चेक करने के लिए आपको इस तरह का टूल चाहिए होगा। देखिए आपको कहीं भी इजीली मार्केट में मिल जाएगा, या तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लाकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से चेक करेगा देखिए। लेकिन इसको चेक करने के लिए आपको होल्डर में लगा के चेक करना है, और केयरफुल रहेगा क्योंकि आपको शॉक भी लग सकता है, तो आप इसमें टेप लगा सकते हो, पर मैं तो नहीं लगाऊंगा। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, इसमें शॉक नहीं लगता है क्योंकि इसमें से डीसी वोल्ट आउटपुट होता है। एसी जो यहाँ से इनपुट होता है उसका डीसी आउटपुट यहाँ से होता है, तभी ये एलईडी ग्लो करता है। लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको ज़रूर इसमें कुछ सेफ्टी लगाना है, टेप वगैरह, नहीं तो आपको शॉक लग भी सकता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ब्लिंक हो रहा है, तो इसमें से सबसे पहले एक को शॉर्ट सर्किट करके देखते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट करना है आपको, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब ठीक है। इसको चेक नहीं किया था। ये देखिए ये जल रहा है, ये बढ़िया से काम कर रहा है। देखिए ये एलईडी ख़राब है, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। देखिए ये देखिए, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलिए इसका फॉल्ट पकड़ लिया, तो अभी इसको निकल के नया एलईडी लगाते हैं। तो एलईडी को रिप्लेस करने के लिए मैं यहाँ से निकालूँगा। ये मेरा उसका है, देखिए इस तरह का जो एलईडी जल रहा है, ये ट्यूबलाइट, तो यहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। मेरा एक ख़राब हो गया था, तो वहाँ से ही मैंने निकला है इसको। तो कभी ना कभी इसका काम आएगा, ये एलईडी का काम आएगा। तो ये आज काम आ गया, देखिए इसको फेंकना नहीं होता है। तो चलिए इसको निकल के लगाते हैं। एलईडी को निकालने के लिए मैं इस गैस का इस्तेमाल करूँगा। देखिए इसको निकालने के लिए सोल्डरिंग आयरन से नहीं हो रहा है इसलिए। तो चलिए निकालने के बाद दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फाइनली मैंने इसको निकाल दिया है, ये दो एलईडी निकला है यहाँ से, D3 और D4 से। तो चलिए इसको अभी उस पर लगाते हैं। देखिए मैंने इसको डिसोल्डर कर दिया यहाँ से, तो इसको निकालते हैं स्क्रू को। चलिए इसको अभी एलईडी लगाकर एलईडी प्लेस करके हॉट करके वापस इसमें जगह में लगा लेते हैं। तो ये वीडियो में शूट नहीं कर सकता, तो लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें एक एलईडी लगा दिया, और ये एक वाला को मैंने डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दिया ताकि इसमें जम्पर लगा के। तो देखते हैं इसको लगा कर ठीक होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसको लगाते हैं। देखिए परफेक्ट, ये अभी कैमरा में ऐसे ब्लिंक कर रहा है, दिखा रहा है, पर वैसे तो ठीक से जल रहा है। देखिए देखा मैंने किस तरह से इसको इतना इजीली रिपेयर किया है, आप भी इसे कर सकते हो।
कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी है, विद इन 5 मिनट्स के अंदर में हो जाता है, देखिए। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट आप सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ में।